नमस्कार। अगली कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है नशा। पर्सनली मुझे यह कहानी बहुत पसंद है क्योंकि आपको ऐसे चरित्र आपके जीवन में देखने को बहुतेरे मिल जाएंगे। बातों से कुछ और कर्मों से कुछ और होते हैं। नशा ऐसे चरित्रों का कमाल का चित्रण है। तो शुरू करते हैं नशा। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थी। मैं जमींदारी की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता, और वो जमींदारों का पक्ष लेता। पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। वो कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते यार, छोटे बड़े हमेशा होते रहेंगे। लचर दलील थी। किसी मानुषीय या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। पर मैं इस वाद विवाद की गर्मी में अक्सर तेज हो जाया करता था और लगने वाली बात कह जाता। लेकिन ईश्वरी वो हार कर भी मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वो अपने पक्ष की कमजोरी को समझता था। नौकरों से वो सीधे मुंह बात नहीं करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उदंडता होती है ना, उसका प्रचुर भाग इसमें मिला हुआ था। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह से साफ न हुई, तो वो आपे से बाहर हो जाता। सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त न थी। पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द्र और नम्रता से भरा हुआ होता था। शायद उसकी जगह मैं होता ना, तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। हां, लेकिन वो मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वो प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्यप्रिय था। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि मैं घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और न घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता हूं वो मुझे जो कुछ देते हैं वो उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है। उसके साथ ही परीक्षा का ख्याल था, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। हालांकि बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को जीना चाहता था। इसीलिए जब ईश्वरी ने मुझसे अपने घर का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के ही राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी। वो अमीर होकर भी मेहनती और जहीन था। उसने उसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहां अगर जमींदारों की बुराई करोगे, निंदा करोगे ना, तो मामला बिगड़ जाएगा, मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वो लोग तो आसामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने आसामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। आसामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदारों का कहीं पता ना लगे। मैंने कहा, अच्छा तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? उसने कहा, हां मैं तो यही समझता हूं। मैंने कहा, तुम गलत समझते हो। ईश्वरीय ने इसका कोई जवाब न दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक के ऊपर छोड़ दिया, और अच्छा ही किया। अगर वो अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता, फिर मामला और बिगड़ जाता। खैर, सेकेंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर न किया था। अब की सेकेंड क्लास में सफर का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्षोल्लास में हम शाम को स्टेशन पर पहुंच गए। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया।
मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खान सामों को यह पहचानते देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछले गु कौन है, लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लगी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए, शायद मेरे पिता का जो वेतन मिलता है ना उससे ज्यादा तो इन खान सामों को इनाम इकराम मिल जाता होगा। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दे दी, फिर भी मैं उन सबों से उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा कर रहा था जिससे वो ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। क्यों, ईश्वरी के हुक्म पर सबके सब दौड़ते हैं लेकिन मैं जब कोई चीज मांगता हूं तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला, यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। खैर, गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खान सामो ने ईश्वरी को सलाम किया और मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीजदार हैं ये सब, और एक हमारे नौकर है, कोई काम करने का ढंग नहीं। मैंने खट्टे मन से कहा, अच्छा इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी रोज 8 आने दिया करो ना तो शायद इनसे ज्यादा तमीजदार हो जाएंगे। उसने कहा, तो तुम क्या समझते हो ये सब केवल इनाम के लालच से इतना अदब करते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं, तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिला हुआ है। खैर, गाड़ी चली, डाक थी, प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला, मैं तुरंत चिल्ला उठा, ए दूसरे दर्जा है, सेकंड क्लास है। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हां इतना समझता हूं मैं, और बीच वाले बर्थ पर आकर बैठ गया। मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी लज्जा आई। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 5 बेगारों ने हमारा लगेज उठाया, दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था रियासत अली और दूसरा ब्राह्मण था रामहरख। दोनों ने मेरी ओर परिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हैं, तुम कौवे होकर हंस के साथ क्या कर रहे हो? रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हां साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूं कहिए कि आप ही की बदौलत मैं इलाहाबाद में पढ़ा हुआ हूं, नहीं कब का लखनऊ चला आया होता। अब कि मैं इन्हें घसीट लाया, इनके घर से तो कई तार आ चुके थे मगर मैंने ही इंकारी जवाब दिलवा दिए। आखिरी तार तो अर्जेंट था जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द थी, पर यहां से उनका भी जवाब इंकारी ही था। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा, आतंकित हो जाने की चेष्टा करते जान पड़े। रियासत अली ने तो अर्ध शंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका का निवारण किया कि महात्मा गांधी के भक्त हैं इसीलिए खद्दर के सिवा कुछ नहीं पहनते हैं, पुराने सारे कपड़े जला दिए इन्होंने। यूं कहा कि राजा हैं, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़ कर लाए गए हैं। रामहरख बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने को मिलता है, कोई भांप ही नहीं सकता। रियासत अली ने भी समर्थन किया, आपने महाराजा चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते, एक गाढ़े की मिजई और चमरौंधे जूते पहने बाजारों में घूमा करते थे। सुनते हैं कि एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्हीं ने 10 लाख का कॉलेज खोल दिया। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी कि ये सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यपद न जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीपतर आता जाता था। मैं शहसवार नहीं, हाँ लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर बैठा हुआ हूं। यहां देखा तो भैया 2 कला रास घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई, खून सूख गया। सवार तो हुआ पर बोटियां कांप रही थी, पर मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया, घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत यह कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज नहीं किया, नहीं तो मैं हाथ पैर तुड़वाकर ही लौटता। ईश्वरी ने भी समझ लिया होगा कि ये कितने पानी में है।
ईश्वरी का घर क्या था, किला था, इमाम बाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार, नौकरों का कोई हिसाब नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ सबसे मेरा परिचय कराया और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछे। नौकर चाकर नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल को अफसर समझने वाले। कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, बड़े शैतान हो यार, क्यों मेरी मिट्टी पलीद कर रहे हो? ईश्वरी ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने ये चाल चलनी जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बात भी नहीं करते तुमसे। जरा देर के बाद नाई हमारे पांव दबाने आ गया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं भैया, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबा दीजिए। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं तो इसे अमीरों के चोचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मरीदी और जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता, और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे, नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया, हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूं, मगर यहां मैंने भी ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती भी छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती छांटते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चले। हॉस्टल में तो जूते पहले मेज पर जा डटते थे, यहां पांव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिए खड़ा था, ईश्वरी ने पांव आगे बढ़ा दिया, कहार ने उसके पांव धोए, मैंने भी पांव आगे बढ़ा दिया, कहार ने ही मेरे पांव धोए। मेरा वो विचार न जाने कहां चला गया था। सोचा था वहां देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, पर यहां सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं, कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं, कहीं शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर ऑमलेट बनते। नौकरों का एक जत्था हमेशा मेरे आसपास ही रहता। अपने हाथ पांव हिलाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, केवल जुबान हिलाना काफी होता था। नहाने बैठो तो आदमी नहलाने को हाजिर हो जाता, लेटो तो आदमी पंखा झलने लगता। महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर हो गया। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में जरा भी देर ना होने पाए, कहीं कुंवर साहब नाराज ना हो जाए। बिछावन ठीक समय पर लग जाए, कुंवर साहब के सोने का समय हो गया है। मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर अपने हाथों कैसे बिस्तर बिछाएंगे? उनकी महानता में बट्टा लग जाएगा। और एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था, शायद अपनी माताजी से कुछ बातचीत कर रहा था। और यहां 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। कोई 11:30 बजे महरा आया, बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुध ही नहीं थी। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया, बोला, तुमने बहुत अच्छा किया, ये सब साले हरामखोर हैं, इसी व्यवहार की योग्य है। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई, मगर लैंप मेज पर रखा हुआ था। दिया सलाई भी थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता था, फिर कुंवर साहब कैसे जलाते? मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा हुआ था, जी उधर लगा हुआ था, पर लैंप नदारद। और दैव योग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा, ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैंप को जलवा दो? मालूम नहीं ऐसे काम चोर आदमियों का यहां कैसे गुजर होता है। मेरे यहां घंटे भर निर्वाह न हो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था, कुछ मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था।
मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना, लोग कहते हैं कि ये सुराज हो जाएगा तो जमींदार न रहेंगे। मैंने वे शान जमाई, कहा जमींदारों के रहने की जरूरत क्या है, ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और करते क्या हैं। ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्यों सरकार सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी और गरीबों को दे दी जाएगी। मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे और जो लोग खुशी से न देंगे उनकी जमीन छीन ली जाएगी। हम लोग तो तैयार बैठे हैं, ज्यों ही स्वराज आया अपने इलाके के जमीनों को आसामियों के नाम हिब्बा कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था, ठाकुर टपाक से मेरा पांव दबाने लगा, बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुलुम करते हैं सरकार, हमें भी हुजूर अपने इलाके में लेके चलिए ना, थोड़ी सी जमीन हमको भी दे दीजिएगा, चलकर वहीं आपकी सेवा करेंगे। मैंने कहा, अभी तो मेरा कोई अख्तियार नहीं है, लेकिन जो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा। सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव महाजन से लड़ने को भी तैयार हो गया था। खैर, छुट्टी इस तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए, ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरोचित विनय और देवत्व की मुहर हर एक आदमी के ऊपर लगा दी। जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दूं, लेकिन उतनी सामर्थ्य कहां थी। वापसी का टिकट तो था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठसा ठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोग कर सभी लोग लौट रहे थे। सेकेंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं, इंटरव्यू क्लास की हालत उससे भी बदतर। ये आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक न सकते थे, बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहां अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से, लेटे लेटे जा रहे थे सिकुड़े हुए, पहलू बदलने की भी जगह न थी। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे, वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ कर रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा, छोटे बड़े सब बराबर, राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी गर्दन दबा देती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं, अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा गट्ठर बंधा था कलकत्ते जा रहा था, कहीं गठरी रखने की जगह न मिलती थी तो पीठ पर बांध के ही रखा हुआ था। इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था, अब बार बार उसकी गठरी मेरे मुंह पर लग रही थी। एक तो हवा यहीं कम थी, दूसरे उस गवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबा रहा था। मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा, एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे ठकेल दिया और दो चार तमाचे जमा दिए। उसने आंख निकाल कर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर दो तीन तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया, चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हैं तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे हैं? बड़े आए बड़ा आदमी, अरे कोई बड़ा आदमी होगा अपने घर का? दूसरे ने तो कहा, मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता, क्या कसूर था बेचारे का? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं है, खिड़की पर जरा सांस लेने के लिए खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध आ गया। बड़े आए अमीर, अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? ये भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे थे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तर में तो घुसपावत नहीं है, उस पर इतना मिजाज हो गया है इनका। ईश्वरी ने अंग्रेजी में आकर कहा, व्हाट एन इडियट यू आर बीर, और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम हो रहा था।